हेलो दोस्तों, मैं हरकेश सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार से तंदुरुस्त बने रहिए, ठीक है। और सुबह शाम कभी भी जब आपको टाइम मिले 15 मिनट 10 मिनट आप योग अवश्य कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज की क्लास के और आज हमारे पास में लेसन नंबर 24 है, महासागरीय उच्चावच। देखिए, इससे पहले मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला था महासागरीय निक्षेप, लेकिन महासागरों का निक्षेपण कहाँ, निक्षेप जो है यानी अवसाद कहाँ पर जाकर के होता है, जो नदियों द्वारा मिट्टी बहाकर लाई जाती है उनका निक्षेप कहाँ पर होगा, किस प्रकार से उसका विभाजन करेंगे, वो चीज़ों से पहले आपको महासागरों का उच्चावच पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम महाद्वीपों से महासागरों की ओर जाते हैं तो महासागरों के अंदर किस प्रकार की हमें स्थलाकृतियाँ मिलती हैं, किस प्रकार के उच्चावच मिलते हैं। जैसे महाद्वीप पर हमें पठार मिलेंगे, पहाड़ियाँ मिलेंगी, पर्वत मिलेंगे, उसी प्रकार से हमें महासागरों में भी क्या मिलेगा, कटक मिलेंगे, पहाड़ियाँ मिलेंगी और पर्वत भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उनको कुछ अलग नाम से बताया जाएगा, चलिए उनको अच्छे तरीके से रीड करते हैं। देखिए, सबसे पहले महासागर की जब जहाँ से शुरुआत होती है, देखो यानी महाद्वीप, सबसे पहले हम बात करते हैं महाद्वीप। जैसे ही हम महाद्वीप से महासागरों की ओर आएंगे तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमें जो पार्टीशन हमें जो मिलेगा, उस पार्टीशन का जो नाम है उसे कहते हैं बीच। बीच कहा जाता है ना, जैसे गोवा के बीच, मुंबई, यानी जो बीच होते हैं घूमने के लिए बहुत अच्छे, है ना। तो वो बीच यानी जो समुंदर से बाहर का जो किन होगा, तट भी कह देते हैं अपन इसको, तो वो क्षेत्र सबसे पहले वही आएगा, है ना। जैसे ही अपन महाद्वीपों से महासागरों की ओर बढ़ेंगे तो पहले बीच आएंगे, बीच आते ही धीरे धीरे अपने पैरों को पानी लगना शुरू हो जाएगा, तो पानी लगेगा तो उस इलाके को जो कहेंगे हम अपन, तो वो देखिए क्या है, तो देखिए जहाँ पर समुद्र का पानी होता है, महासागरों का पानी होता है, उसे हम समुद्र तल कहते हैं, समुद्र तल कहा जाता है, ये समुद्र तल कहलाता है, ठीक है, ऊपर का। तो एक मिनट थोड़ा सा मैं स्लोप इसका जो है वो स्लो स्लोप रहेगा, यहाँ पे स्लोप जो है वो कैसा रहेगा, स्लो रहेगा, इस प्रकार से अपने को देखना है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद में स्लोप जो है वो तेज़ी से नीचे की ओर जाएगा, ठीक है, तेजी से नीचे की ओर गिरेगा स्लोप, ठीक है। यहाँ से अपन इस प्रकार से देखते हैं, ये हो गया, ये तेज़ी से नीचे हो गया। उसके बाद में शुरू हो जाएगा हमारे पास में बेस, उसका बेसमेंट शुरू हो जाएगा महासागरों का, ठीक है। अब महासागरों की बात आ गई, महासागरों के निचले तल पे चले गए, ऊपर वाला तल तो समुंदर तल कहलाता है, लेकिन नीचे वाला तल जो है उसे नीतल कहते हैं। आगे देखिए, अब इस एक बार अपन मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ, ये महासागर है और महासागर के अंदर क्या है, यहाँ पे पानी है, ठीक है, बस ये आपने इस प्रकार से ध्यान रखना है। ओके, तो ये चीज होगी हमारे पास में, ये हमने महासागर के अंदर जल भर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अलग अलग उच्चावच बनाएंगे, वो किस प्रकार से है, तो चलिए देखिए। पहले इनके मैं आपको साथ साथ में नामकरण बता देता हूँ क्या क्या नाम रहेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ गया, बीच आ गया, ठीक है, बीच। उसके बाद में यहाँ पे आता है महाद्वीपीय निमग्न तट, ठीक है, निमग्न तट। यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास में, निमग्न तट रहेगा यहाँ पे, निमग्न तट। उस निमग्न तट के बाद में हमारे पास में आ जाएगा महाद्वीपीय डाल, महाद्वीपीय डाल। तो ये आ गया हमारे पास में महाद्वीपीय डाल, स्लोप आ चुका है तेजी से, ये किसका डाल है, महाद्वीपों का है, तो इसलिए हम इसे महाद्वीपीय डाल कहेंगे। उसके बाद में जो नीचे वाला बेसमेंट है, ठीक है, यानी नीचे वाला जो बेस है उसे हम क्या कहेंगे, नीतल कहेंगे, नीतल, नीतल, या इसे द्रोणी कहा जाता है, द्रोणी, नीतल, या इसे द्रोणी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, हम इसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं,
ये एक प्लेट बना लेते हैं, क्योंकि जो हमने चैप्टर में पढ़ा, पिछले चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में शुरुआत में पढ़ा था, प्लेट विवर्तनी की हमारा चैप्टर था, वहाँ मैंने आपको ये सारी बातें वहाँ पे भी समझाई थी कि किस प्रकार से ज्वालामुखी का उद्गार होता है महासागरों के बीच में, किस प्रकार से प्लेटें एक दूसरे से दूर होती हैं और नज़दीक आती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इलाका है, हम यहाँ पर मान लेते हैं एक बार कि ये जो प्लेट है वो अब यहाँ से क्या हो रही है, इस तरफ खिसक रही है। यहाँ पर ये प्लेट जो है इस तरफ खिसक रही है, यहाँ पर इस प्रकार से खिसक रही है यहाँ पे। तो जो ये बीच वाला इलाका आएगा, यानी जहाँ पर प्लेट अपसरण होता है, प्लेट का अपसरण होता है, यानी जहाँ से दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं, वहाँ पर जो बनेगी आकृति वो बनेगा कटक। वहाँ पर क्या बनेगा? कटक बनेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है अपने को। अपसरण के किनारों पर कटक बनता है, यानी यहाँ से ज्वालामुखी निकलेंगे, ज्वालामुखी उद्गार होगा, और ज्वालामुखी उद्गार होगा तो पानी के अंदर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक स्तंभ के रूप में निर्मित हो जाएगा, तो इसे हम कटक कह देंगे। ओके, इसके बाद में हम आगे और देख लेते हैं। जब मान लेते हैं कि इधर वाला जो हमारे पास में ढाल है, इधर इस तरफ आ रही है ये प्लेट, अब ये प्लेट कहीं ना कहीं जा करके दूसरी प्लेट से टकराएगी, है ना, एक तरफ यहाँ पर प्लेट आकर के टकराएगी, तो जहाँ पर ये प्लेट आकर के टकराएगी उस एरिया में हम देखते हैं वहाँ पे क्या मिलेगा हमें। तो ये एरिया आ चुका है हमारे पास में, इधर ये हमारे पास में महाद्वीपीय प्लेट है, दूसरी महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है, ये महाद्वीप है दूसरा, इधर दूसरा महाद्वीप है, बीच में जो होगा वो महासागर है। अब यहाँ पर ये प्लेट इसे टकराएगी, जैसे यहाँ पर जा कर के टकराएगी प्लेट, तो इस प्लेट का सबडक्शन हो जाएगा। इस प्लेट का क्या हो जाएगा? सबडक्शन, यानी ये प्लेट जो है ये भारी प्लेट होगी और ये उसके नीचे चली जाएगी। जब ये नीचे चली जाएगी तो यहाँ पर कई आकृतियाँ बनेंगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कि ये जो नीचे हिस्सा गया ना, जितना हिस्सा ये नीचे गया है प्लेट का, ये प्लेट यहाँ से क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी, यानी कि गल जाएगी, गलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नीचे का टेम्परेचर अधिक है, तो यहाँ से गलना शुरू होगी, और गलने के बाद में यहाँ पर क्या है, ज्वालामुखी उद्गार होगा। यहाँ पे क्या होगा? ज्वालामुखी उद्गार होगा। तो यानी यहाँ पर जो बनेगा एक पर्वत बन जाएगा, ज्वालामुखी से निर्मित एक पर्वत बन जाएगा। ये जो बीच वाला इलाका है, ये खाली इलाका जो है, इसे हम कहेंगे गर्त। ये कहलाएगा क्या? गर्त कहलाएगा। ओके, इसे हमने क्या नाम दिया? कटक नाम दिया। ये कटक है। ओके, उसके बाद में ये आ गया हमारे पास में। यदि अब मैं इसको थोड़ा सा अलग हिस्से बनाऊंगा, क्योंकि हमें अलग अलग प्रकार के स्थलाकृतियाँ बतानी हैं। बनेंगी तो यहीं पर ही, लेकिन मैं थोड़ा उसको साइड में बना रहा हूँ ताकि आपको बता दूँ कि जब ये पर्वत, अब इस पर्वत का एक नाम देते हैं पहले अपन, फिर समझना आसान हो जाएगा। इस पर्वत का नाम है सी माउंट। ठीक है, समुद्री पर्वत, इसे कहते हैं सी माउंट कहा जाता है, इसे सी माउंट। अब ये जो सी माउंट है, जब ये महासागरीय तरंगों के, लहरों के चपेट में आएगा, और इसका ऊपरी भाग यदि मान लो समतल हो जाता है, ये इस प्रकार से था और उस ऊपरी भाग इसका क्या हो गया, समतल हो गया है, यहाँ पे समतल हो गया है, तो इसे हम कहेंगे गुयाट। इसे नाम दिया जाता है गुयाट, गुयाट नाम दिया जाता है। ठीक है, ये एक हमारे पास में एक और स्थलाकृति आ गई। ये जो गुयाट है, ये किससे बना है? सी माउंट से ही बना है। और सी माउंट किससे बना है? ज्वालामुखी उद्गार से बना है। ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो सी माउंट बना। सी माउंट का ऊपरी हिस्सा जब अगर ऊपर से क्या हो गया, यहाँ पे समतल हो जाता है, तो उसे हम गुयाट कहते हैं। और यदि ये सी माउंट समतल ना होकर के, ये सी माउंट समतल ना होकर के और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए और क्या हो जाए, जल निमग्न हो जाए। ठीक है, निमग्न यानी कि निर्गमन हो जाए, जल से बाहर आ जाए। अब जल से ये बाहर आ चुका है, तो अब ये बन जाएगा हमारे पास में द्वीप। ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे द्वीप बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ द्वीप बन गया। अब एक ही स्थलाकृति थी, यानी ज्वालामुखी से इस सबडक्शन का, इस एरिया का क्या हुआ, गलन, मेल्ट हुआ, और ये मेल्ट होकर के यहाँ से पहले ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ज्वालामुखी उद्गार के इससे बना सी माउंट, सी माउंट का ऊपरी हिस्सा यदि समतल हो गया तो उसे हम कहेंगे गुयाट, और गुयाट ना बने और क्या बन जाए, एक बहुत ऊंचा पर्वत बन जाए, तो वो जल से निर्गमन हो जाएगा, यानी जल से बाहर आ जाएगा, तो हम उसे कहेंगे द्वीप कहेंगे। क्लियर दोस्तों? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो ये हमारा इलाका है कटक, कटक कहाँ पे बनेगा? अपसरण के क्षेत्र में बनेगा, यहाँ बनेगा कटक। ठीक है, जहाँ अपसरण हो रही है प्लेटें, और यहाँ पर प्लेटें क्या हो रही है, आपस में टकरा रही हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं अभिसरण। ये कौन सा क्षेत्र है? अभिसरण का क्षेत्र है।
और ये कौन सा क्षेत्र है? ये अपसरण का क्षेत्र है, अपसरण का क्षेत्र है। क्लियर? तो ओके, यहां तक तो हो गया हमारे पास में, ये क्लियर है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर ये यहां पर गर्त बन जाए, यहां पे ब्रश कगार बन जाए, यानी ये जो प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, यहां से दूर चली जाए, तो यहां पर एकदम से खाई, यहां पे क्या बन जाएगा? एक खाई बन जाएगी हमारे पास में। तो यदि गर्त काफी लंबे होते हैं, अगर तो छोटे हैं तो उन्हें गर्त ही कहा जाएगा, अगर ये काफ़ी लंबे होते हैं तो उन्हें खाई कह दिया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या होगा? बीज आएगा, बीज के बाद में निमग्न तट आएंगे, निमग्न तट के बाद में महाद्वीपीय ढाल आएगा, महाद्वीपीय ढाल के बाद में नीतल आएगा, द्रोणी आएगी, और महासागरों के बीच में क्या आएंगे? महासागरीय कटक आते हैं। ठीक है, ओके, गर्त हो गया है, सी माउंट गुयाट और द्वीप बन गए हैं। इसके बाद में होता है द्वीपीय चाप। ठीक है, द्वीपीय चाप जो होते हैं ना, तो द्वीपीय चाप, आप पिछली वीडियो में देखना जहां मैंने आपको प्लेट विवर्तनी की बताई थी, जितनी भी प्लेटें हैं, चाहे वो अपसरण वाली हैं चाहे अभिसरण वाली हैं, वो प्लेटें हमेशा क्या करती हैं? एक गोलाई में ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये प्लेट इस प्रकार से बिल्कुल चौरस होगी, नहीं, चौरस नहीं होगी, चौकोर नहीं होगी। ये किस प्रकार की प्लेट होगी? ये प्लेट इस प्रकार की हो सकती है, ऐसे, इस प्रकार से ये एक प्लेट है और ये प्लेट आगे की ओर बढ़ रही है। तो जब ये प्लेट आगे बढ़ रही है, दूसरी प्लेट के साथ टकरा रही है, तो टकराने से भारी प्लेट नीचे जाएगी और हल्की प्लेट के ऊपर क्या बन जाएंगे? ज्वालामुखी उद्गार होंगे। तो हल्की प्लेट के ऊपर यहाँ ज्वालामुखी उद्गार होंगे। अब यहाँ टकराई तो यहाँ पर हुआ, यहाँ हुआ, इस प्रकार से ये ज्वालामुखी उद्गार हुए। इन ज्वालामुखी उद्गारों का यदि ये हिस्सा, ये पर्वतों का ये हिस्सा बाहर आ जाता है पानी से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? द्वीप बन जाएगा। और अगर ये द्वीप यहाँ तक बन रहे हैं लंबाई में, तो ये कहलाएगा द्वीपीय चाप। क्या कहलाएगा? ये द्वीपीय चाप। अगर एक एक चोटी बाहर आ रही है तो वो द्वीपीय चाप कहलाएगा, और अगर ये पूरा का पूरा इलाका ही, पूरा क्षेत्र ही बाहर आ गया, मान लो इतना बड़ा इलाका ये बाहर आ गया है, लंबा पर्वत एक बाहर दिखाई देने लग गया है, तो तब हम उसे कह देंगे पर्वतीय द्वीप। ठीक है ना, पर्वतीय द्वीप कह देंगे, तब अपन उसे द्वीप कहेंगे, और द्वीप वो कौन से कहलाएंगे? पर्वत के कहलाएंगे। अभी क्या कहलाएंगे? ये द्वीपीय चाप कहलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे देखेंगे कौन कौन से देश जो हैं वो द्वीपीय चाप पर हैं या द्वीपीय पर्वत पर हैं। ठीक है, तो ये ही बात यहाँ पे द्वीपीय चाप की। ओके, इतना ये बन गया है। अब इनके बारे में अपन अलग अलग थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, इनके बारे में क्या होता है, लेकिन डायग्राम यही रहेगा, इसलिए मैं आपको यहीं पर ही सब सारी बातें समझा देता हूं। जो जो बातें यहां पे मैंने बोली हैं उनको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, निमग्न तट जो होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जितने भी महासागर के निमग्न तट जो हैं अधिक चौड़े होंगे, वहाँ पर अधिक पेट्रोलियम वगैरह प्राप्त होगा। ठीक है, यानी महासागरीय अगर हमें संसाधन मिलते हैं, तो महासागरीय संसाधन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? निमग्न तट पर ही पाए जाते हैं। और आगे हम महासागरीय निक्षेप की जब बात करेंगे, तब भी वो निक्षेप जो होते हैं वो अधिकतर कहाँ मिलेंगे अपने को? निमग्न तट पर मिलेंगे। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, निमग्न तट पर क्या होता है, इसका ढाल जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, इसका स्लोप जो है वो बहुत ही कम है, ये ज़्यादा गहरा नहीं, मतलब तिरछा नहीं है, ये बिल्कुल सीधा फ्लैट की तरह होता है। लगभग इसका जो अपने पास में जो झुकाव होगा वो 2 से 3 डिग्री होगा, 2 से 3 डिग्री का झुकाव होता है। ठीक है, डिग्री लेना, 1 डिग्री 2 डिग्री, 2 से 3 डिग्री के बीच में इतना ही स्लोप होता है इसका। तो इस वजह से अब यहाँ पर क्या होगा, महाद्वीपों से क्या होता है, नदियाँ आती हैं, नदियाँ अपने साथ, नदियों में पानी आता है, और पानी अपने साथ आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पत्थर है, मिट्टी है, चाहे वहाँ पे कोई जड़ी बूटी है, ठीक है, जैविक पदार्थ हैं, तो उन सबको अपने साथ में अपरदन करके लेके आता है, अपरदित वस्तुओं को अपने साथ में लेकर के आता है। यानी जल जो है वो रास्ते में आने वाली जितनी भी चीज़ें होंगी, चाहे वो नुकसानदायक है लाभदायक है, उन सब का क्या करेगा? वो अपरदन करेगा। वो अपरदन जब यहाँ पर आएगा, तो अब वो यहाँ पे क्या करेगा? उसका निक्षेपण करेगा। वहाँ से तो अपरदन किया, अपरदन की क्रिया में क्या होता है? किसी जगह से उठाना, ठीक है, उसको उठाना, अपने साथ में भाग करके साथ में लेके आना, तो वो तो अपरदन कहलाएगा। जहाँ आकर के छोड़ेगा उसे हम निक्षेपण कहेंगे।
तो निक्षेपण यहाँ पे निमग्न तट पे क्या होगा, निक्षेपण होगा, और निक्षेपण के बाद यहाँ पे जमा हो जाएगा अवसाद। ठीक है, निक्षेपण के बाद में जब यहाँ पे जो भी चीज़ें रह जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, अवसाद कहलाती हैं। तो यहाँ पे अवसाद इकट्ठा हो चुका है। अब इन्हीं अवसादों के अंदर हमें खनिज प्राप्त होते हैं, किस प्रकार के, जिस प्रकार जैसे पेट्रोलियम, ठीक है ना, यानी पेट्रोलियम जो है ना वो सबसे अधिक निमग्न तट पर ही प्राप्त मिलेगा। आप कहीं पर भी देख लो, जहाँ पर भी पेट्रोलियम निकाला जाता है वो निमग्न तट पर ही निकाला जाता है। देखिए हार्ट ऑफ पेट्रोलियम जो है ना वो है, हार्ट ऑफ पेट्रोलियम जो है ना वो है अबादान एक स्थान का नाम है जो कि मेक्सिको की खाड़ी में है, मेक्सिको की खाड़ी के अंदर हार्ट ऑफ पेट्रोलियम है। क्यों है, क्योंकि उस यानी मेक्सिको आ जाता है कहाँ पे, अंटार्कटिक महासागर में, और जब हम महासागरों में पढ़ेंगे कि सबसे चौड़े निमग्न तट किसके हैं तो वो अंटार्कटिक महासागर के कहलाएंगे। ठीक है ना, परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको हम आगे अभी डिनोट करेंगे। तो यहाँ तक ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक महासागरीय जो संसाधन प्राप्त होंगे वो कहाँ से होंगे, निमग्न तट पर प्राप्त होंगे। महाद्वीपीय जो ढाल होते हैं ये अवसाद से मुक्त होते हैं, यहाँ पर अवसाद इकट्ठा नहीं होता है, क्योंकि ये देखो यहाँ से अवसाद नीचे सीधा नीचे गिरेगा। अब जो बचे हुई चीज़ें हैं वो डायरेक्ट यहाँ जा करके जमा हो जाएंगे, क्लियर है। और उसके बाद हम बात करते हैं तो नितल या द्रोणी, तो ये क्या होता है, महासागरों का तला होता है। और उसके बाद में कटक, तो कटक मैंने अभी आपको बता दिया, कटक बनते हैं अपसरण प्लेट पर, और जहाँ पे होता है हॉट प्लम, क्या होता है यहाँ पे हॉट प्लम होता है। हॉट प्लम का मतलब जहाँ से रेडियोधर्मी एक्टिव जो होते हैं वहाँ से गर्म पदार्थ जो है, भूगर्भिक ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है, ये सब हमने पढ़ चुका है पिछली क्लासों के अंदर। तो ये हॉट प्लम पर निर्मित होते हैं, क्या बनते हैं यहाँ से, ज्वालामुखी, ये भी ज्वालामुखी ही निकलता है। जब ऊपर से हम परत हटा देंगे तो नीचे से जो गर्म लावा है वो ऊपर की ओर उठेगा, तो जब वो ऊपर की ओर उठेगा तो ऊपर है ठंडा पानी, तो जब वो पानी है तो वो उसको ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नहीं उठने देगा, तो वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा और जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। यानी ऊपर उठा ठंडा हो गया, फिर ऊपर उठा ठंडा हो गया, ऊपर उठा ठंडा हो गया। इस प्रकार से इसका जो आकृति बनती है वो कैसी बनती है, एक चौकोर टाइप में इसकी आकृति बनती है, और ये कई बार पर्वतों के रूप में बाहर भी निकल आता है। जैसे सबसे बड़ा कटक जो है वो अंटार्कटिक महासागर के मिडल में पाया जाता है, तो वहाँ जब हम महासागरों की अलग अलग बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार यहाँ तक देखिए, निमग्न तट की जो चौड़ाई हम बात करते हैं तो ये होती है 0 मीटर से लेकर के 200 मीटर गहराई तक होता है, 200 मीटर की गहराई तक होते हैं। और महाद्वीप ये ढाल जो होते हैं ये 200 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक होती हैं, 2000 मीटर की गहराई तक क्या मिलेंगे, महाद्वीप ये ढाल मिलेंगे। और 2000 मीटर से लेकर के 6000 मीटर तक, 2000 से लेकर 6000 मीटर तक हमें मिलेंगे महासागरीय नीतल। ठीक है, नीतल गहरे नीचे की ओर। तो यहाँ पर जो महाद्वीपीय ढाल होते हैं इसका जो एंगल होता है वो होता है 3 डिग्री से 5 डिग्री। ठीक है, परंतु जो सेंट हेलेना ये इस द्वीप का जो महाद्वीपीय ढाल है वो 45 डिग्री है, 48 डिग्री इसका क्या है, ढलान है, इसका खड़ा ढलान है। इतना खड़ा ढलान क्यों है, क्योंकि वो एक हॉट प्लम है, यानी वो ज्वालामुखी निर्मित है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से या उसके आसपास क्या है, ब्रश अधिक पाया जाता है। अगर हम भारत की बात करें, देखो विश्व में तो सबसे ज़्यादा निमग्न तट कहाँ मिलेंगे अपने को, अंटार्कटिक महासागर में मिलते हैं। भारत की बात करें तो भारत के पूर्वी तट में क्या है, निमग्न तट अधिक चौड़े हैं। और जो पश्चिमी इलाका है, पश्चिमी तट जो है, यहाँ निमग्न तट क्या है, बिल्कुल ही नगण्य है, मतलब नहीं है। निमग्न तट की
चौड़ाई कम है। ऐसा क्यों है? ऐसा आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो महा अपने भारत का जो द्वीपीय इलाका है, जो पठारी इलाका है, दक्कन का जो पठार है, उस दक्कन के पठार का जो ढलान है ना, वो पूर्व की ओर है। उस दक्कन के पठार का ढलान पूर्व की ओर है, पश्चिम में उसका ढलान बिल्कुल तीव्र है और पूर्व में उसका ढलान बहुत ही स्लो है, स्लो ढलान है। तो यहाँ पर आकर के क्या होता है, पानी की शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो इस समुंदर तल के अंदर भी इसका जो निमग्न तट है वो काफ़ी चौड़ा है, जबकि यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है इसका निमग्न तट बहुत ही चौड़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ निमग्न तट है ही नहीं, यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म है। तो ये भारत का कौन सा पार्ट है? ये वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी तट है, और ये कौन सा है? पूर्वी तट है, इस तरफ वाला। तो इसका मतलब भारत में आपसे पूछा जाए कि निमग्न तट की चौड़ाई सबसे अधिक किस तरफ है, अरब सागर में है या बंगाल की खाड़ी, तो पूर्वी तरफ है। पूर्वी तरफ में क्या है? बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिमी तरफ में क्या है? अरब सागर है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो हर चीज़ की अपनों ने एक एक बात को देख लिया है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो को पॉज करें, बैक करके दोबारा से इसको देख सकते हैं, और जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं, थोड़ा जोर दे करके बताई हैं, उनको अच्छी तरीके से अंडरलाइन कर लेना, यानी नोट कर लेना, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि मैं इसकी PDF आपको जल्द से जल्द उपलब्ध करवा दूँ, और जो PDF है वो आपको मिलेगी कॉलेज एप्लीकेशन पर। यदि आप कॉलेज ऐप की इसकी PDF लेना चाहेंगे, जितने भी मेरे टॉपिक करवाए हुए हैं उसके नोट्स आपको मिलेंगे कॉलेज की एप्लीकेशन पर, और कॉलेज की एप्लीकेशन का नाम है KP कॉलेज आहोर, ठीक है, KP कॉलेज आहोर। आप इस प्रकार से गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहां जाकर के इस नाम को सर्च करेंगे तो आपको कॉलेज की एप्लीकेशन मिल जाएगी, और वहाँ पर इस प्रकार का लोगो होगा, उससे आप उसे डाउनलोड करें और एप्लीकेशन में जुड़ जाएं, जहाँ पर हमने आज 21 जून से टेस्ट सीरीज शुरू की है और फ्री ऑफ कोर्स शुरू की है। जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे BSTC है, BEd के एग्ज़ाम, प्री BEd के एग्ज़ाम जो होते हैं, ठीक है, इसी के साथ साथ पटवारी है, ग्राम से जो भी आप कंपटीशन देना चाहें, उसकी टेस्ट सीरीज हमने यहाँ पर शुरू कर दी है, क्लियर दोस्तों। तो इतनी बात अच्छी तरीके से दिमाग में रखना। अब आगे देखते हैं, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं जिसमें हम इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व कर देंगे कि निमग्न तट किस महाद्वीप महासागर के अधिक हैं और किसके कम हैं। चलिए, मैंने कहा वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए मैंने कट कर दिया। अब देखिए ज़रा, हम एक इंडेक्स बनाएंगे महासागर, उसका क्षेत्रफल, उसकी औसत गहराई, उसमें निमग्न तट, निमग्न तट कितने परसेंटेज है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ढाल, ढाल के बाद में हम देखेंगे नितल या मैदान, ठीक है, मैदान के बाद हम देखते हैं गर्त, और फिर देखते हैं गहरा गर्त कौन सा है, और फिर देखते हैं उसका उस महासागर का बड़ा द्वीप कौन सा है, बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है। इतना ही हम इंडेक्स बना लेते हैं। और महासागर कितने लेने हैं अपने को? 3 ही महासागर लेने हैं, क्योंकि अंटार्कटिका को महासागर नहीं माना जाता, अंटार्कटिक जो महासागर है उसे नहीं माना जाता, और कहीं कहीं पर दिया भी होता है, क्योंकि वो क्या है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का ही दक्षिणी हिस्सा है। और आर्कटिक महासागर जो है वहाँ पर हमें सिर्फ महासागर मिलेगा, उसका क्षेत्रफल मिलेगा, उसकी गहराई मिल सकती है, निमग्न तट मिल सकते हैं, ना तो वहाँ ढाल मिलेंगे, ना मैदान मिलेंगे, और कुछ वहाँ पे नहीं मिलने वाला, ठीक है, इसलिए हम 3 की ही बात करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्रशांत महासागर, प्रशांत, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, हमारे पास में आता है अटलांटिक महासागर, तीसरा आ जाता है हमारे पास में हिंद महासागर, क्लियर, ये होगी बात। उसके बाद देखिए, इसका जो क्षेत्रफल है ना वो है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यानी पूरी पृथ्वी का ये तीसरा हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा, यानी 16 की 48, लगभग 50 51
करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल है। 16 करोड़ क्षेत्रफल अकेले प्रशांत महासागर का है। और अगर मैं आपको कहूँ कि जो हमारा स्थल भाग है ना, स्थल भाग यानी हमारे जो 7 महाद्वीप हैं ना, उनका क्षेत्रफल मात्र 14 करोड़ किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, 14 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसका 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यानी जितने हमारे पास में 7 महाद्वीप हैं उनसे भी बड़ा एक महासागर है। ओके, उसके बाद देखिए 10.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर आता है हमारे पास में अटलांटिक महासागर, और 6.46 करोड़ किलोमीटर वर्ग किलोमीटर ठीक है, कौन आता है, हिंद महासागर का क्षेत्रफल आता है। ओके, इसके बाद देखिए प्रशांत महासागर की अगर हम गहराई की बात करते हैं तो औसत गहराई इसकी 4280 किलोमीटर है, मीटर ओनली, मीटर किलोमीटर नहीं, गहराई मीटर में होगी ठीक है। इसकी हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की, तो अटलांटिक महासागर की आती है हमारे पास में 3276 मीटर आती है, 3276 मीटर आती है। तो इसकी हम बात करते हैं तो ये आता है 3650 आता है, 3650 मीटर इसकी गहराई आती है ठीक है, इसके लगभग यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में। उसके बाद देखिए निमग्न तट की बात करते हैं तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास में 5.7% यहाँ निमग्न तट मिलेंगे। प्रशांत महासागर का जितना क्षेत्रफल है उसका 5% निमग्न तट मिलेंगे। और अगर हम डाल की बात करते हैं तो डाल मिलेगा हमारे पास में 7%, हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, डाल मिलेंगे, 7% डाल मिलेंगे। मैदानों की बात करते हैं तो मैदान है यहाँ पे सबसे बड़े, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो मैदान यहाँ पे 80% भाग जो है वो मैदानी है यानी नित्तल है। गर्तों की बात करते हैं तो सबसे अधिक गर्त यहीं पर पाए जाते हैं, 32 गर्त है यहाँ पे टोटल। अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पे कितने गर्त आ जाते हैं, 32 गर्त आ जाते हैं यहाँ पे। और उनमें सबसे गहरा गर्त की अगर हम बात करते हैं तो गहरा गर्त आता है मेरियाना ट्रेंच, ये सबसे गहरा गर्त है, 11033 मीटर इसकी गहराई है, 11033 मीटर यानी 11 किलोमीटर के आसपास का हो गया ये। और सबसे बड़े द्वीप की बात करते हैं तो यहाँ पर द्वीप आता है पापुआ न्यू गिनी। ये पापुआ न्यू गिनी की अगर हम बात करें तो ये पापुआ न्यू गिनी दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का, ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अटलांटिक महासागर की, तो अटलांटिक महासागर के अंदर आता है 13.3% निमग्न तट है, यानी उसका जितना भी क्षेत्रफल है उसका 13% निमग्न तट मिलेंगे। और 12.4% हमें मिलेगा ढाल, और 54.9% मिलेगा हमें यहाँ पे मैदान ठीक है। और गर्तों की बात करें तो यहाँ पर 19 गर्त मिलेंगे, और सबसे गहरा जो गर्त है उसका नाम है प्यूर्टो रिको, सबसे गहरा गर्त है प्यूर्टो रिको ठीक है। और फिर भी देखते हैं बड़ा द्वीप, द्वीप देखते हैं तो ग्रीनलैंड जो है अटलांटिक महासागर के अंदर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अटलांटिक महासागर का बड़ा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। इसके बाद आती है हिंद महासागर की बारी, हिंद महासागर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा लगभग 5.5% जो है वो मिलेगी हमें निमग्न तट की ठीक है, और लगभग 6.4% मिलेंगे ढाल, 6.4% क्या मिलेंगे, ढाल मिलते हैं। नीतल की बात करें तो नीतल यहाँ पे आता है 80.1% जो है यहाँ पे क्या आएंगे, नीतल आएंगे, मैदान आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि पूरे उस, देखो ये खुद का है, हिंद महासागर का जितना हिस्सा है उसका 80% मैदान है ठीक है, उसका 6% जो है वो ढाल है, 5% उसका निमग्न तट है, बाकी जो बचा है उस पर पहाड़ियाँ होंगी, गर्त होंगे, उसके अंदर कवर हो गया ठीक है। गर्तों की बात करते हैं तो यहाँ पे 6 गर्त हैं, और सबसे गहरा गर्त जो है उसका नाम सुंडा गर्त है, सुंडा। और यहाँ पर सबसे बड़ा द्वीप की बात करते हैं तो मेडागास्कर है, मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और अगर हम बात करें विश्व में इसका कौन सा रैंक आता है, तो विश्व में इसका नंबर आता है फोर्थ नंबर आता है। देखिए सबसे बड़ा विश्व में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है,
दूसरे नंबर पे आता है पापुआ न्यू गिनी, तीसरे नंबर पर आता है ब्रुनेई। ब्रुनेई जो है वो भी प्रशांत महासागर का ही अंदर ही है, इसलिए उसका हमने नाम यहाँ पे नहीं दिया। और चौथे नंबर पे आएगा मेडागास्कर, ठीक है, चौथे नंबर पे आता है मेडागास्कर। तो ये बात होगी। तो ये इतना इलाका है हमारे पास में। और अगर हम टोटल बात करते हैं पूरे विश्व की, तो लगभग 36.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर क्या है, महासागर है। और उनकी औसत गहराई है 3800 मीटर। औसत गहराई क्या है, 3800 मीटर है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा कि प्रशांत महासागर की गहराई कितनी है, अंटार्कटिक की कितनी है, हिंद की कितनी है, और पूरे विश्व की यानी पूरे महासागरों की, पांचों महासागरों की, यहाँ सभी काउंट हो जाएंगे पांचों महासागर, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल भी सभी का काउंट हो चुका है। देखिए 16.5 है और 10 और 6 16 दो ना 32 33 34 के आसपास बन रहा है। और ये है 36.5 करोड़, यानी कि लगभग मतलब सभी को काउंट कर लिए इसमें। और औसत गहराई कितनी है, 3800 मीटर इसकी औसत गहराई है। क्लियर है दोस्तों? तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रत्येक महासागर की अलग अलग विशेषता, अलग अलग उसके उच्चावच देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।